क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा में जेट एयरवेज के कर्मचारी ने आर्थिक तंगी के कारण चौथे मजले से छलांग लगाकर की आत्महत्या। पालघर जिले के नालासोपारा स्थित तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत जेट एयरवेज के कर्मचारी ने आर्थिक तंगी के कारण चौथे मजले से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जेट की नौकरी में उनका बेटा भी काम कर रहा था, लेकिन अभी वो भी नौकरी पे नहीं रहा। साथ ही कई सारे पर्सनल लोन लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण शैलेश सिंह ने खुदकुशी कर ली। कारण इनका आर्थिक तंगी था। उनका क्या इनकम का स्रोत चारों बाजू से बंद हो गया। घर का EMI भरना था, मेडिकल का ट्रीटमेंट चालू था। पहले वो लीलावती में इलाज करा रहे थे, लीलावती के बाद वो रिलायंस में इलाज कराए, उसके बाद घर पे आए। उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का प्रॉब्लम हो गया। तो परसों ऐसा क्या हुआ उन्होंने? मतलब रिलायंस से कल परसों डिस्चार्ज करा के लेके आए, फिर रात को घर पे आराम से खाए पिए, नॉर्मली सबसे बात की, फिर वॉचमैन से टेरिस का चाबी ले, बोले मुझे घर पे डिश बिगड़ गया है, उसको सही कराना है। फिर वो चाबी लेके गए तो फिर फैमिली वाले को सबको बाहर से लॉक कर दिया। फिर वो टेरिस पे चढ़ के चौथे महीने के पैसे पे वो पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ कम से कम एक घंटा तक बैठे थे। आजू बाजू के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस वाले को कॉल किया। अब नालासोपारा वेस्ट से ईस्ट में उस्वाल नगरी में फायर ब्रिगेड को आने में समथिंग एक घंटा लगा, और जगह पे नहीं आ पाए। और पुलिस आया, फिर पुलिस गया उनको समझाने के लिए, हम लोग भी गए समझाने के लिए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने इस घटना करने से पहले, गोली मारने से पहले स्टेटमेंट दिया, जबकि मैं वहाँ पे मौजूद था और सुरेंद्र सिंधे करके पुलिस वाले थे, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने बोला कि सर जी आप उतरिए, ऐसा काम मत कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। तो बोले सर मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, हमारे घर में खाने के वांदे हो गए, हमारी जो भी प्रॉपर्टी था सब बिक गया, कंपनी बंद हो गई, बेटे का 2-3 महीने से सैलरी नहीं आ रहा है, हमारा 3 साल से सैलरी बंद है, मेडिकल भी बंद हो गया, कंपनी बंद हो गया, अभी मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मुझसे ये सब आपकी तंगी देखा नहीं जा रहा है। और उन्होंने फिर वो कूड़ी मार दिया रेलवे लाइन के साइड में, उसके ऊपर वो बाउंड्री के वॉल के ऊपर गिरे और फिर वो गटर में गिरे। फिर वहाँ से हम लोग उनको निकाल करके रिक्शा में ले जा करके अलायंस हॉस्पिटल में लेके गया। यहाँ पे डॉक्टर ने उनको चेक किया, 10 से 15 मिनट के बीच में 20 मिनट में उन्होंने उनको मृत घोषित किया। मगर आप लोगों ने उनको इतना समझाया, वो नहीं माने, तो उनको लेके ही आप नीचे नहीं उतरे क्या? मैडम उनको समझाने का मौका ही नहीं, मुश्किल से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड में सब कांड हो गया। तो आप लोग नीचे से बात कर रहे थे उनसे? नहीं मैडम, नीचे से हम लोग तो लेट पहुँचे और लोग नीचे से बात कर रहे थे, और सब बात करने में डर रहे थे कि ऐसा तो न हो कि उड़ी मार दे कुछ जाए। इसकी वजह से तो जब प्रशासन हम लोग को बोली, जो उनके साथ जानते पहचानते हैं, तो हम लोग के साथ उठते थे बैठते थे। पहले मैं उनके रूम में नालासोपारा में आया था तो रेंट में रहता था, वो फ्री में रहते थे, मेरे से भाड़ा वगैरह नहीं लेते थे, लेकिन नागिनदास में रहते थे। तो हिसाब से हम लोग उनको समझाने गए, तो फिर वहाँ पर उनसे ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 सेकंड बात हुआ, उसी में उन्होंने वो उड़ी मार दी। कैसे आदमी थे वो? आदमी बहुत मेच्योर आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, स्वभाव से अच्छे थे, किसी से उनका व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था। बिल्डिंग के चेयरमैन भी थे, कहीं कोई प्रोग्राम होता था, कहीं भी आना जाना लोग उनको बुलाते थे तो वहाँ पे वो जाते थे। ऐसी जानकारी तुलिंज पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक RK जाधव ने बताया। उस्वाल नगरी साईबोजा बिल्डिंग नालासोपारा ईस्ट में शैलेश कुमार संत प्रसाद सिंह एज 44 ये रहते थे। वो गए 3 साल से उनको पेट का कैंसर, इससे वो बीमार थे, उनके ऊपर कीमोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट चालू थी। वो गए 25 साल से जेट एयरवेज में नौकरी करते थे, अभी फिलहाल घर पे है। उनका लड़का भी उधर 1 साल से काम करता था, वो भी घर पे है। और उन्होंने घर के लिए कुछ कर्जा लिया था, वो देना बाकी था, और अभी थोड़ा पैसे का कमता था होने की वजह से भी वो टेंशन में थे। उसी टेंशन में बिल्डिंग के छत के ऊपर चौथे मंजिले पे चढ़ गए। पुलिस फायर ब्रिगेड सब आए, तब तक उन्होंने वहाँ से बाजू के गटर में जंप लगा दी, उन्हें वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तब तक डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर किया। तो वो जब छत पे चढ़े कुछ ये हुआ उनको, बहलाने फिसलाने का कुछ
कोशिश की लोगों ने तब तक जब तक पुलिस वहाँ उनके पास पहुँचे उन्होंने वहाँ से जम लगा दी। कितने महीनों से कितने सालों से परेशान थे? 7 साल से उनको पेट का कैंसर है। सर, इस मुद्दे पर अभी तक जो है जेट एयरवेज के किसी अधिकारी कर्मचारी ने आप लोगों से संपर्क किया, कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। और उनके जो घर वाले वो भी गांव गए उनका जो अंत्यविधि करने के लिए, तो वो भी ज़्यादा फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सके। अभी अपने यहाँ क्या क्या मामला दर्ज किया है? एडीआर दाखिल किया है, अकस्मात मृत्यु। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।